हेलो वेलकम बैक गाइस, आप लोग कैसा हो? तो हम एक न्यू ब्लॉग में फिर से जुड़ चुके हैं। इनसे पता है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पता क्या है, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बस ये सोच के मेरा दो तीन दिन निकल गया, बताओ यार फिर वीडियो नहीं बना पाया, क्या करूँ। तो गाइस अभी 12:30 बज रहे हैं और रोड पर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। लुक एट दिस। तो 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी है, तो वैसे अकेले ही हैं। बाकी बात कुत्ते तो मिल जाते हैं हर गली हर मोड़ पे, तो ये देख सकते हो। तो गाइस ये देखा जाए कि जो रोड पे सन्नाटा है यहाँ पे, एक तरह से चौराहा है, ठीक है। तो और दिनों की तुलना में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है। वैसे इतना नहीं रहता नहीं है, इस टाइम 1 बजे तक यहाँ पे लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आज पूरी तरह से सुनसान दिख रही है रोड, ये चौराहा, ये पीछे आप देख सकते हो। गाइस बात करते करते हम एक इस पार्क पे आ गए हैं, ठीक है। इस पार्क के पास आए हैं, ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक पार्क है बहुत बड़ी, तो काफ़ी रोमांचक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये किसी दिन ले जाऊंगा आपको इसके अंदर, वो यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद हम आ गए रामलीला ग्राउंड, जहाँ पर लगी है मेला। ये पीछे गेट रहा वो मेन गेट, उसके पीछे है मेला लगा हुआ, उसके पीछे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ किस दिन जाऊँगा, बट अभी डिसाइड नहीं है कि किस दिन जाना है। तो फ्रेंड्स मुझे जल्दी घर जाना है और जल्दी सोना भी है, ताकि पता है मैं जल्दी सुबह उठ सकूं। बिकॉज यार सुबह सुबह एक्सरसाइज पे जाना होता है ना, तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा मस्त है। गाइस रोड पे पूरी तरह सन्नाटा है, लुक एट दिस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी हम तुरंत कमरे पे पहुंचे हैं। तो कमरे पहुंचे जैसे मैंने पंखा स्टार्ट किया ना, तो मेरा पंखा वैसे ही चल गया, आज मुझे घुमाना नहीं पड़ा। तो काफ़ी खुशी की बात है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरा लगभग 650 में बचा हुआ था मेरे जो पहले का आज, जैसे कि अभी 12 बजे, जैसे कि आपको बता दूँ कि अभी 12:46 हो रहे, मतलब ये मेरा दूसरा दिन मतलब इंटर कर चुका है, मतलब पुराना वाला जो दिन था वो ख़त्म हो चुका है। तो जो मेरा पुराना वाला दिन था उसमें मैंने 400 ख़त्म किए थे और मेरा लगभग 600 बचा हुआ था, तो वो मेरा एम अब ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, नष्ट हो गया। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है यार, मतलब पुराना वाला एमबी जो वो है डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी बात नया आ चुका है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यार पुराना वाला तो रहता कम से कम। तो यार ये जो कंपनियों ने ये सिस्टम निकाल रखा है ना, ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि नहीं, मतलब मानो तुम्हारे एक तरह से नुकसान है। और कंपनी क्या, वो तो अपना एक लिमिट डेटा भेज ही देता है, ठीक है, जो कि उसका 1 घंटे का निर्धारित होता है, या फिर जितना भी 1 GB डेटा या 2 GB डेटा जो भी होता है लिमिट होता है उसका कुछ घंटों के लिए, तो उसका तो कुछ नहीं, हमारा अगर यूज़ किया तो ठीक है, नहीं किया तो हमारा नुकसान ही है। तो यार ये चीज़ बेकार है, ठीक है, बहुत बेकार है। तो गाइस और नींद भी आ रही है और काफ़ी टाइम हो गया, तो यार ये वीडियो तो फिलहाल यहीं तक रही, बाकी बात मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।